निःशुल्क नेत्र शिविर का हुआ आयोजन। नगर रानीपुर में आज ही महावीर जैन इंटर कॉलेज में संयोजक समाज सेवी आलोक जैन एवं राकेश कुशवाहा जी तथा कॉलेज प्रबंधक हरिश्चंद मजन्या के सौजन्य से संपन्न हुआ, जिसमें झांसी से आई हुई आंखों की विशेषज्ञ शार्प साइट टीम ने मरीजों का परीक्षण किया। डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद, कम रोशनी, दूर का न दिखना जैसे आदि रोगियों की आंखों का परीक्षण करते लोगों को आंखों की देखरेख के बारे में भी बताया। शिविर में लगभग 140 मरीजों की जांच की गई। जी सर, अभी हाल ही में जैसे हमें कोई चश्मा लगाना है, जी सर, तो उसके बारे में तो ये क्या करेंगे चश्मे का? हाँ सर, बताना चाहूँगा इसके लिए सर, हमारे जो ऑप्टोमेट्रिस्ट साहब सर आए हुए हैं, वो चश्मे का नंबर उन्हें प्रोवाइड करा देंगे। अगर वो चाहें पेशेंट तो हमारे झांसी सेंटर में विजिट कर सकते हैं। हमारे ऑप्टिकल भी है जो हमारे शॉप साइड का खुद का ही है। अगर वो लोकल में चाहें तो किसी भी ऑप्टिकल शॉप से चश्मा प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, जिसको मोतियाबिंद वगैरह है उसके लिए क्या? सर देखिए, मोतियाबिंद के लिए हम लोग इन्वाइट करते हैं हॉस्पिटल में, ठीक है। वहाँ प्रॉपर तरीके से उनकी जाँच होती है जो कि डॉक्टर करते हैं। पहले उनको डायलेट किया जाता है, उसके बाद उनकी आंखों की जांच की जाती है, कितना मोतियाबिंद पक चुका है। अगर उसी माध्यम मतलब उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आप कब तक ऑपरेशन करा सकते हैं। अच्छा, ये ऑपरेशन का ये ट्रस्टी है क्या? नहीं सर, ये ट्रस्टी नहीं है, ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, ठीक है ना। और हमारे जो चार्जेस है बहुत ही नॉर्मल रहे। अच्छा, जैसे कोई गरीब व्यक्ति, जी, और गरीब व्यक्ति जैसे आपकी जो फीस है, जी, वो फीस नहीं दे पा रहा है, जी, तो उसके लिए कोई प्रोसीजर है ऐसा कि वो रिबिट से उसको कम पैसों में इलाज मिल सके? सर देखिए, आप चैरिटी की बात कर रहे हैं, तो चैरिटी का भी एक हमारे रूल्स रहता है। मान लीजिए अगर 10 पेशेंट आए हैं, जी, अगर उसमें से 6 पेशेंट अगर हमें कॉस्ट कर रहे हैं, मिनिमम भी कॉस्ट कर रहे हैं जो हमारा सबसे लो मतलब रेट रखा गया है, तो बाकी के जो 4 पेशेंट हैं। क्या कार्यक्रम है आज? धन्यवाद अरुण जी, आज यहाँ पे निःशुल्क नेत्र शिविर लगाया गया है जो इंडिया की टॉप आई हॉस्पिटल है शार्प साइट, उसके द्वारा आज ये नेत्र शिविर, निःशुल्क नेत्र शिविर लगाया गया उनका पूरा स्टाफ। और हमारे हम सबसे पहले बता दें कि ये जो प्रेरणा हमें मिली है, हम दोनों को ये बैठने से मिली, हम लोग इनके मेडिकल पे बैठते थे, राकेश जी हमारे मित्र हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक कोई ऐसा काम किया जाए। और जब हमने बाड़ों में जन समस्या अभियान किया तो वहाँ भी लोगों ने कहा कि मेरी आँखों की बहुत दिक्कत है, यहाँ पे कोई शिविर लगना चाहिए। तो लोगों की प्रेरणा से प्रेरित होकर हम दोनों ने फिर आज यहाँ पे जैन विद्यालय में, और सबसे अच्छी बात है कि हमारे जैन समाज के प्रतिष्ठित और इस विद्यालय के प्रबंधक श्री हरिश्चंद जी जैन ने हमें अनुमति दी, अपने विद्यालय में जगह दी और काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं दी। ये डॉक्टर साहब लोग कहाँ से आए हैं? ये इसमें दिल्ली का स्टाफ है और झांसी ये हॉस्पिटल ब्रांच है, इनकी ब्रांच है, इंडिया के महानगरों में इनकी ब्रांचें हैं। अच्छा, ये जो सबसे बड़ी एक चीज़ है कि इसके बाद हम लोग जो अगला शिविर लगेगा उस शिविर में लोगों को हम दवाई भी मुहैया कराएंगे, ड्रॉप वगैरह जो आई होता है। शिविर जो लगेगा आगे उसको हम बता देंगे डेट पहले आपको, डिसाइड करके कब भी अच्छा। रानीपुर से अरुण अग्रवाल की रिपोर्ट।